रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन अब शुरू होने लगा है और आज हम मौजूद हैं रोहतक के गांव सुनारिया में। ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या है उनका मूड, किस तरफ जाने वाला है उनका मत। तो आपसे पूछते हैं कि क्या कहना है आपका? हमने ये कहना है, हमारी जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अब तक कोई हमारी गरीबों की कोई समस्या हल नहीं करी। 36 बिरादरी की जो भी है, हमारे सारे काम अधूरे पड़े हैं। हमारे 15,000 मकान पास हुए थे, कांग्रेस सरकार ने कराए थे, वो सारे पेंडिंग में पड़े हैं। अब एक किस्त दी थी 4 साल के बाद, सारे अब तक पूरे पेंडिंग में पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है, ना तो यहाँ सुरक्षित, ना पढ़ाई बच्चों की अच्छी तरह से, ना कोई किसी तरह का कोई सुधार नहीं जी। लेकिन सरकार का दावा है, भाजपा सरकार का, कि 5 साल में उन्होंने समान विकास जो है किया है। नहीं, 5 कोई विकास नहीं किया जी, किसी चीज़ का झूठे वादे करती है सरकार, झूठे फ्रडे फेंके है। जो सरकार कांग्रेस ने किया है और किसी ने नहीं कराया गरीबों का। 3 बार से यहाँ सांसद रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अब की बार फिर चुनावी मैदान में है, उनके सामने भाजपा के अरविंद शर्मा है, तो क्या चुनौती देखते हैं? ऐसा जी, हम तो जी दीपेंद्र जी को वोट देंगे, हमारे दुख में दर्द में यही काम आते हैं जी, हमारे गांव में भी आता है जी, शादियों में भी आता है, मरगत में भी आता है, हर तरह की समस्या, हमारे बच्चे भी लगे नौकरियाँ में, हर तरह की हमारी मदद करती है सरकार जी। सरकार ने इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कई नारे भी दिए, भ्रष्टाचार मिटाने की दावा भी किया, कहा कि नौकरियां भी काफ़ी दी हैं, तो इस चुनाव में क्या वो चीज़ें असर दिखाएंगी? इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, ना तो बेटी बचती, ना के नाम कुछ बचता जी, ना सारा वो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो सब घूम चल रहा है, ना कोई बिजली पानी का प्रबंध, कुछ भी कोई प्रबंध नहीं है, सब के नाम वो हो रहा है के नाम हमारे यहाँ के नाम 2014 में के नाम यहाँ हुड्डा सरकार थी, बिजली 24 घंटे बिजली रहा करती, अब यहाँ पर के नाम 24 घंटे में के नाम 5-7 घंटे बिजली रहती है, के नाम कोई अनुशासन नहीं सरकार में। अब इलेक्शन का टाइम है, अब आते हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे, इससे पहले यहाँ कोई नहीं सकता जी। दीपेंद्र हुड्डा है जो हमारे सांसद है, नाम है, चौथी बार लड़े हैं, वो हमारे दुख सुख में सब कह नाम पहले भी आते थे, अब भी आते हैं जी। हम तो आने वाले के नाम है 12 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे। अच्छा, 3 बार सांसद रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से, तो कौन कौन से वो काम है जो आपको लगता है उन्होंने बहुत अच्छे किए इस इलाके के कारण? इस इलाके के लिए तो जी बॉय एजुकेशन का देखो, आप IIM यहाँ है, यूनिवर्सिटी का विस्तार देखो कहाँ पहुँच गया, यूनिवर्सिटी कहाँ थी, PGI का देखो, यूनिवर्सिटी बना दी, मेडिकल कॉलेज और जी बाकी एम्स है, और इन लोगों ने तो सारा जो किया था ना उनने, उसको तो और मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी है काम की। हमारे यहाँ जो अभी धार्मिक स्थान थे उनमें इनने कम्युनिटी सेंटर वगैरह बहुत कुछ बनाया है, और नौकरियों के मामले में तो आप पूछना चाह रहे हैं, नौकरियों के मामले में तो इन लोगों ने ऐसा बुरा हाल कर दिया, ये लगाना तो दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात देखो, कितने लड़के जो कच्चे एम्प्लॉय लगाए थे, अब उनकी शादियाँ भी होगी, उनका परिवार भी हो गया, अब उनको निकाल दे नौकरी से जिन्हें 10-10 साल हो लिए, तो ये तो मेरा ख्याल पहली बार देखने को मिल रहा है, ना किसी सरकार ने आज तक तो रंजिश रखी नहीं है। अब ये कह रहे हैं फिर करे ही न, जितने भी ये सिलेक्शन करे हैं जो डी क्लास के काटे हैं, तो ये अपने मुँह से कह रहे हैं, बाकी पब्लिक तो नहीं कह रही, किसी से पूछ के देखो आप जो लग रहे हैं 2 या 3 से, वो बताओगे ईमानदारी से नौकरी दी है या इन्होंने कुछ उसमें भी घपले किए हैं। अच्छा, भाजपा सरकार यह कह रही है कि 3 बार जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने तो तब कांग्रेस की सरकार थी, अब की बार सरकार नहीं है, तो उनका कहना है कि अब स्थिति वैसी नहीं है, आप क्या मानते हैं? ईसा जी उसके काम बोल लेंगे, जो उस लड़के ने जो मेहनत कर रहा है कि इस हल्के लिए हरियाणा के लिए, उसके काम बोल लेंगे, चाहे कोई उसको बुला लो क्या नाम है, मोदी जी को भी खड़ा कराना, उसने भी हरा हुआ, उसके जी काम है, काम बोलते, जो लड़का 6-6 घंटे सोता और बाकी कमीज पढ़ते हैं उसके को कम करते, पार्लियामेंट हाउस में भी अच्छा है वो देता लेक्चर, बाकी उसके काम बोल रहे जी, हरियाणा के अंदर कहीं भी जाता है वही, हाँ भाई दीपू आ गया। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा अपना रिपोर्ट कार्ड जो है जहाँ भी जा रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के बीच में, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को बता रहे हैं कि 3 साल में उनकी उपलब्धियाँ रही, तो कितने नंबर आप उनको देंगे? हम तो 110 देंगे जी, 110
100 की बजाय 110 दे नंबर तो कटते काम करे हैं जी। काम के बारे में तो उसके नंबर कटा नहीं सकते यहाँ बेचारे कमीज करते हैं पसीना उन्होंने तो काम किए हैं इन काम तो परमात्मा इधर से किया नहीं है पर विकास विकास दर्शा रही दीपेंद्र जैसा लड़का दुनिया पूरे हिंदुस्तान में मोदी भी झूठे हैं बाकी शरापत गाड़ दे लो उसका बाप सीएम था जब भी उसके लत्ते पाट दिया करते वो तो एक ऐसा इंसान है और चुटाले हरकत है उसके छोरे का हाथ लगा के दिखा दो उसका बाबू सीएम था जी और एक रात ने हमारे छोटे छोटे बालक मच्छर इतने हैं बहुत घने रात ने लाइट देते नहीं दिन में हम चट्टा दिन में धंधा ही ना करा हाँ लाइट अपना सब दिन लाइट देते नहीं हमारे बच्चे परेशान हो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका रात में तो दिन में तो काम करते हैं रात में उनका बिजली है तो बालक आपको कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे समझते हैं कि क्या कह रहा है जी बालक नहीं लगे हमारे नहीं तो हमारे बालक लग गए एक किला से वो ना जमींदार हम ना धानक ना दाट महाराज कल्याण कर दिया बता एक नहीं लगे नौकरी कोई सारा नहीं फिर इसने मोदी ने दी है नौकरी मोदी तो नाश कराएगा कांग्रेस की डोंगी ठोक के ठीक है कोई काम नहीं कर रहा एक झज्जर वाली सड़क बननी चाहिए पढ़ते दा बालक मरते पढ़ते ठीक है कोई न्या नहीं काम है किसी चीज का भी नमस्कार जी नमस्कार आपका नाम सुमित 5 साल राज्य सरकार खट्टे सरकार ने क्या कुछ विकास कार्य किया आपके गांव के लिए कुछ बताना चाहेंगे कोई काम नहीं हुआ 5 साल में एक भी हमारे गांव में तो कोई काम नहीं हो रहा एक भी काम ऐसा नहीं है जो हम बता सकेंगे यो काम करवाया बीजेपी एक नारा लेके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहाँ तक सफल रहा कोई खास नहीं है रोज आओ अखबार में हम नहीं दे रहा है बेटी की शिक्षा को लेकर भी कुछ नहीं हुआ ना शिक्षा को लेकर भी कोई खास वो नहीं है और सुरक्षा को सुरक्षा के लिए तो सब ना पता है कितनी सुरक्षा चल रही है 3 बार सांसद रह चुके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ विकास कार्य किया आपके गांव के उनके तो बताने की आवश्यकता है कोई ना सब ना पता है कितने काम करवा रखे हैं कुछ बताना चाहेंगे विकास कार्य के बारे में विकास कार्य बतेरे हैं गाँव में बढ़िया पानी की सुविधा दे रखी हमारे गाँव में पानी नहीं था पानी दिया गलियां बनवा रखी नमस्कार जी नमस्कार भाई आप सोनारिया गांव से हैं हाँ सोनारिया खुर्द से 3 बार सांसद रह चुके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या विकास कार्य किया आपके गांव के लिए इसने यूनिवर्सिटी बनाई है पूरे प्रदेश में और रोहतक में तो बहुत विकास कराया है सबसे ज्यादा रोहतक में कराया है और सोनीपत में झज्जर में सारे हरियाणा का विकास कराया है और अकेले दीपेंद्र की बात करें तो इसने तो अवार्ड भी मिला हुआ है भारत सरकार से जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा काम कराने वाला सांसद है युवा है बीजेपी एक नारा लेके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहाँ तक सफल रहा सब फ्लॉप है ये झूठ है सब झूठ और लूट और फूट की राज करते हैं ये कहीं सत्य नहीं ये गलत है सब टोटल 5 साल राज्य सरकार खट्टर सरकार ने क्या कुछ विकास कर रही है आपके गाँव के लिए कोई विकास नहीं करा भाईचारे को तोड़ने का काम किया है उन्होंने बस और को नहीं इस बार वो कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिसे ध्यान में रख के आप मतदान के लिए जाएंगे भाई विकास कराया है हुड्डा सरकार ने दीपेंद्र खास उसका मेन रहा है हमारे दिनों में और आगे वही रहेगा बस नमस्कार जी नमस्कार जी आपका नाम राहुल शर्मा जी ये 3 बार सांसद रह चुके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ विकास कार्य किया आपके गाँव के लिए हमारे गाँव में सभी विकास किए हैं जी पानी की लाइट की और सभी जो जरूरतमंद चीजें थी सभी का विकास किया जी खट्टर सरकार ने तो अभी अभी आपने ताज़ा मामला देखा होगा करनाल में मतलब बेटी बचाओ बेटी अभियान इन्हें चालू किया था तो वहाँ लड़कियों को कैसे पीटा हुआ था और मतलब जो पढ़ाई की बारे में चल रहे थे वहाँ पर जो कुशल प्रशिक्षण केंद्र चला है इन्हें वहाँ लड़कों को कैसे सीसीटीवी कैमरे भी फोड़ दिए थे मतलब बच्चों पर कैसे अत्याचार किया था ये ताज़ा मामला आपने करनाल में देखा होगा जैसे आपने नारे के बारे में बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बीजेपी लेके आई थी मतलब ये सफल नहीं रहा शिक्षा और सुरक्षा के स्तर पर हाँ कुछ सफल नहीं रहा जी इनका कुछ और बताना चाहेंगे शिक्षा के बारे में कैसा रहा ये राणा कुछ नहीं रहा जी अच्छा ये जो 5 साल राज्य सरकार खट्टर सरकार ने क्या कुछ विकास कार्य किया आपके गांव के लिए कुछ विकास काम नहीं किया जी नहीं तो लाइट की व्यवस्था है नहीं मतलब सफाई जो मोदी सरकार ने चलाई थी सफाई सुव्यवस्था कोई व्यवस्था कुछ नहीं है जी सब फ्लॉप है जी 12 मई को छठे चरण में जो हरियाणा में चुनाव होने मतदान होने हैं तो उसमें कौन से बदलाव चाहते हैं अपनी सरकार से हम दीपेंद्र के साथ हैं जी हम दीपेंद्र के साथ
नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? भूपेंद्र। ये कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिन्हें आप ध्यान में रख के इस बार मतदान करने जाएंगे जो छठे चरण में 12 मई को हरियाणा में चुनाव होने? सबसे बड़ी बात है ये, पहले हमारे गांव में 24 घंटे लाइट रहा करती, दो तीन घंटे रहे है, हमने छाकड़ा के शुरू कर रखा था, हमारे दो घंटे लाइटें रहने लगी। पहले हम 24 घंटे हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था, आज इन्वर्टर लगा लें भी आदमी काम नहीं चल रही, सोलर लाइट लगा रखी भी काम नहीं चल रही, तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि जिस टाइम ना ये आगे फिर जलना पड़ा, हम ऐसा करेंगे ना कि आगे हमारे 24 घंटे दोबारा लाइट रहे। ये सरकार आते ही हमारी सबसे पहले लाइट काट दी, क्यों काट दी, कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार जिम्मेवार है ना, उसने कटवाया अंत, पहले नहीं देना तो 24 घंटे रहा करती। तीन बार सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्या कुछ विकास कर रहे हैं आपके गांव के? गांव के लिए जी थोड़े दिन पहले, मान लो दो तीन महीने पहले हमारे गांव में पानी पीने पाने की बढ़िया व्यवस्था हुई है, वो दीपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई है। हम 5 मिनट के लिए मिले थे उनसे, उन्होंने हमारे को 25 लाख रुपये तुरंत दे दिए, तो ये होते हैं सांसद। और हम आज तक कितनी बार हमने कोशिश करी है, खट्टर साहब जी हम मिल भी नहीं पाए, बताओ कैसे हम उसको वोट दे देंगे। बीजेपी एक नारा ले गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ तक सफल रहा? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो आदमी की सोच पर डिपेंड करता है, सरकार इसमें इतना कुछ नहीं कर रही है कि हम को जबरदस्ती कर लेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती कर देगी सरकार नहीं कर सकती ना, ये तो अगर आदमी की सोच में जब फर्क पड़ेगा ना जब इसका असर होगा, इतना कोई कुछ नहीं हो सकता इसका। बेटी की सुरक्षा के मामले में क्या कहना चाहिए? बेटी की सुरक्षा तो कुछ खास नहीं करा आज तक, तो मेरे ख्याल में कि भाई कोई आगे यार पुलिस घूमती हो या मान लो आज तक कोई ऐसा कांड नहीं हुआ हो भाई, तो पहले हो रहा तारीफ नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हुआ है जैसे पहले होता था, अभी ऐसे हो रहा है। ये 5 साल राज्य में जो खट्टर सरकार रही, उन्होंने कुछ विकास कार्य किया आपके गांव के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? हमारे गांव में तो कोई खास विकास कार्य नहीं हुआ जी, हाँ पहले बहुत सारे विकास कार्य, हमने जो काम पहले चले गए थे हमारे काम में आए नहीं हुआ करता, चाहे कुछ भी बोल दिया। अरे हम तो सांसद ने और MLA ने पकड़ पकड़ में हिला भी दिया करते, जब भी ना बोला करते उनका नज़दीक भी नहीं जा सकते, तो इस बात का फर्क हो नहीं, दीपेंद्र उठा दे हम पकड़ के नू हला दे, हाँ अभी हमारा काम नहीं हुआ, और जब बनवा ये काम हो जाएगा आपका, दो दिन में काम हुआ मिलेगा तब उन्हें कैसे भूल जाऊंगे। तो नई सरकार से क्या कुछ बदलाव चाहते हैं शिक्षा रोजगार के संबंधित? सरकार से कोई भी आओ हम तो नहीं चाहूँगा, जो पहले जैसी हमारी सरकार थी उसे सरकार होनी चाहिए। सरकार का नाम? कांग्रेस की सरकार थी, वैसे चाहे आप बीजेपी वाले बन जाए वैसे हम दोनों वोट दे रहे हैं, लेकिन बन तो नहीं रहे ना, समस्या तो ये है ना, हम ना कोई इनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते कि भाई ये हम ये गलत है, लेकिन सोच अपनी ऐसी ले ना कि जिससे आदमी ने नुआ भाई ये भी अपने हैं, ये भी ये तो बात ऐसी करते हैं सारी है कि भाईचारे को अलग अलग करने की, कि भाई ये जातिवाद कितना फैला दिया, आपने नहीं पता इस बात का जातिवाद कितना फैल गया, किस सरकार में फैल रहा है वो, क्यों फैल रहा है, उसका कारण क्या है, ये बात गलत हो तो आप बोल दो। और अगर मान लो तो खट्टर सरकार इसके बारे में बता रहे भाई जातिवाद किसने फैलाया और क्यों फैलाया, आज भी अगर आप बात करोगे तो इस बात में फर्क होगा मेरे ख्याल में पहले गरीब में। राम राम, तो राम राम भाई, राम राम। और के कुछ काम करे पिछले 5 साल में मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की सरकार ने? हमारे गाँव में तो एक भी काम नहीं होया, अगर जिसने बता दिया भाई यू होया बतावा की समस्या की है गाँव की, बिजली पानी? बिजली की तो समस्या है ही है, पानी की तो दीपेंद्र ने हल कर दी, जो है सप्लाई लिया दी गांव में, पानी की तो समस्या मिटगी। बिजली का कटरा ले भी लागे? हाँ, कितने घंटे जन्म भी रात ने भी। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तब बिजली ठीक थी? नहीं करती बिजली आ करती 20-22 घंटे, हरी बिजली आओ है 8 घंटे। और लाल खट्टर की सरकार ने किसान खातर के कुछ करे? किसान खातर दे दी निरी परेशानी, सिरसम का भा कर दिया 42 से का बक्का है 35 से 34-35, क्यों गुमराह कर दिया किसाना को, स्टेज पर तो नारे लुवा दे हैं उन तक मसाए ना, कागजा में सब पास आड़े कुछ नहीं, ये है मोदी सरकार। खाद की समस्या बता रहे थे आप? खाद की समस्या है, एक कट्टा लेना होता आधार कार्ड ले आओ, एक कट्टे खतर भी, एक कट्टे खतर आधार कार्ड मैं लेने वाला हूँ, एक कट्टा, एक कट्टे का जमींदार हूँ मैं, उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए, उसका मैं कि बिजनेस करूँगा एक कट्टे का, कोई बिजनेस नहीं ना, हमने बेरा कैसे होगा बिजनेस का हमने पता ही नहीं, तो खाद के एक कट्टे खतर भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ क्या स्मगलिंग कर लेगा एक कट्टे में किसान? उसने स्मगलिंग का तो उसने पता ही नहीं ना, किसान ने करनी क्या है इसका, उसने तो अपने खेत में डालना है ना, हम टाई ला रहे ना, पेंट कोट हम पहन रहे ना भाई, प्रेस के लत्ते हम पहन रहे ना, जो बिजनेस करे उनका तो आधार कार्ड उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, ये जब परेशान कर रहा किसान उन्हें गुमराह कर दिया काम का। ये बताओ बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है अरविंद शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, क्या कुछ लग गया, कोई फर्क पड़ेगा? ना कोई फर्क नहीं, 1% भी फर्क नहीं, अरविंद शर्मा दे कोई फर्क ना, कोई अरविंद शर्मा के चाहे कोई और कोई शर्मा आ गया यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। वे कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिसे आप ध्यान में रखें, इस बार 12 मई को जो छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं, उन विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान के लिए जाएंगे? भाई मोदी तो आराम नहीं दिखता है ना, सारे मुद्दे मोदी दी काम न दे, सारे हमारे पास से मोदी आ जाओ बस। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? बस सारी मोदा कर जाएगी, कसर ना छोड़ जाएगी मोदी ने हमारी। तीन बार सांसद रह चुके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ विकास कार्य किया आपके गांव के लिए? लूट खसोट मचाई हमारे गांव में, सुनरिया में सारी हमारी तली ने खाया गया, तो एक सौ नहीं मिली नहीं मारा, पूरे गांव का पूरा उजाड़ कराया, जितना नहीं हुआ रहा पूरा उजाड़ बैठा दिया था 15 ने हमारे गांव में। बीजेपी एक नारा लेके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक सफल रहा? पूरा सफल है बीजेपी, पार्टी है घनी बढ़िया ना, आदमी है घना बढ़िया ठहर गया बीजेपी है। मोदी मोदी तो जरूर कह लिया, मोदी नारी दिखता है ना, वो चौटड़ा का हारता मैं ये मोदी की घर आगे। देखो बेटी की शिक्षा और सुरक्षा के बारे में कुछ बता चाहिए? सारा बढ़िया काम है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 5 साल राज्य सरकार खट्टर सरकार ने क्या कुछ विकास कर रही है आपके गाँव के लिए? जो कहा वो सारा कर दिया खट्टर ने, एक भी ना छोड़ता। राम राम। राम राम भाई। और न्यू बताओ, तीन बार से सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, के कुछ विकास कार्य करे है हर गांव? दीपेंद्र ने भाई सब कुछ करे है, जैसे पानी है, बिजली है, इन घर जानते हैं बिजली कट, पहले 20-22 घंटे रहा करती, हाथा में कागज नहीं ना उड़ते, ईश के राज में खट्टर के राज में सरसम की फर्ज लियाओ, गिवां की फर्ज लियाओ, पेंशन बुढ़िया की तीन महीने हो गए, चक्कर काटे बैंक का पेंशन नहीं मिल, पेंशन भी ना, दो महीने हो गए। किसान खट्टर के कुछ करे खट्टर सरकार? हाँ कुछ नहीं करे, और किसान ने किया था भी 6,000 रुपया साल में देंगे, 2,000 की किस्त आएगी हर चौथे महीने, पहली किस्त आएगी किसी ने? गाँव में 5 आ गई होंगी, एक बोरी फार्म भर के ले गए थे, अच्छा 6/7 नहीं आ रही, 5 तो आ गई होंगी, 4-5 लोगों की आई, बाकी नहीं आ रही, 5 ही लोग है गांव में? हमने नहीं बेरा, वो एक बोरी कागज ले गए थे, 5-4 के आ गए, बाकी नहीं आ रहे, आ जाए उस बात का हमने बेरा कोई नहीं। बताओ हमारे गांव की समस्या क्या है? हमारे गांव की समस्या है, एक तो लाइट नहीं रहती, एक खात का कट्टा ले आधार कार्ड, आधार कार्ड में पाओ ताले भी तेरे, अच्छा। खेत में दुटो के लिया तो खाद बट ले, फिर खाद पाओ नहीं, खाद के कट्टे खतर भी आधार कार्ड मांगे हैं भी, क्या कारण है? किसान के सप्लाई क्या ब्लैक कर लेगा या स्मगलिंग कर लेगा? के हिसाब से तो हम स्मगल वो ऐसा अग भाई न लेगा बेचेंगे, आमदनी करेंगे, अरे 2 कट्टे तो जीने चाहिए साल में, ओके ब्लैक करेगा उसका। अरविंद शर्मा उतार रहा है बीजेपी ने उम्मीदवार अपना दीपेंद्र के खिलाफ, क्यों कर देखो? अरविंद शर्मा के बने उनके बने उन, यो तो ठिकाने का छोरा है दीपेंद्र तो, हाँ हर बार इस बनावांगे हम तो, हर बार चौथी बार मशीना में गलती हो जाए हमने बेरा को नहीं, मशीन का फिर था उन्हें फैक्ट निकाल ना सुना, हाँ हम तो कहते ना हम मशीना ने, पर सुनी सुनाई बात को, वहाँ हम तो दीपेंद्र ने बनावांगे भाई।